तो आइए आज हम घर में बनाते हैं चिकन पिज़्ज़ा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक बार इस पिज़्ज़ा को आप बना लेंगे तो दोबारा मार्केट से पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं लाएंगे। बहुत ही टेस्टी बना है। और सच बताऊँ, इस पिज़्ज़ा का सबसे सीक्रेट रेसिपी है पिज़्ज़ा सॉस। और इसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो पिज़्ज़ा सॉस का ही होगा। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपने बहुत तरह का सॉस बनाया होगा, एक बार ये सॉस ज़रूर बनाइए। पिज़्ज़ा बहुत अच्छी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, लजीज दस्तखान। मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदीद। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा विदाउट अवेन। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं चिकन पिज़्ज़ा घर में हम कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 सीख चिकन बोटी कबाब। और ये कबाब कैसे कुक किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है इस चिकन को बनाना। इसी तरीके से आप कबाब ज़रूर बनाइए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मार्केट वाला पिज़्ज़ा बेस, ये हर जगह अवेलेबल होती है, इजली मिल जाएगी। चीज़ जितनी ज़रूरत होगी मैं उतनी यूज़ करूँगी। और पिज़्ज़ा में चीज़ ज़्यादा यूज़ की जाती है। और ये है सबसे सीक्रेट रेसिपी पिज़्ज़ा सॉस का, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी ये सॉस बनी है और बहुत ही लजीज आपकी पिज़्ज़ा बनेगी। जितनी ज़रूरत होगी मैं पिज़्ज़ा सॉस ले लूँगी। और यह है पिज़्ज़ा हब, आप इसे पिज़्ज़ा में ज़रूर यूज़ कीजिए। पिज़्ज़ा की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ी सी मैं लूँगी चिली फ्लेक्स, प्याज इस तरीके से कटा हुआ, और थोड़ा सा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और नमक थोड़ा सा लेना है। चिकन पिज़्ज़ा मेरा तो फेवरेट है, और किसका फेवरेट है प्लीज़ बताइएगा। तो यहाँ पर चिकन के पीसेस काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मैं छोटा कर दे रही हूँ क्योंकि कोटिंग में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर मैं सॉस ज़्यादा ही अप्लाई करूँगी क्योंकि पिज़्ज़ा में सॉस अगर ज़्यादा हो तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और ये मेरा होममेड सॉस है, बहुत ही लजीज सॉस बनी है, यकीन मानिए। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पिज़्ज़ा में चिकन मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये चिकन पिज़्ज़ा है ओबियसली, तो चिकन ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप अगर कम पसंद करते हैं तो चिकन के पीसेस को कम रखें। और मैं यहाँ पर प्याज भी डाल दे रही हूँ। आप अपनी चॉइस से वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर यूज़ की जाती है ड्राई ऑलिव सीड, जो मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो ज़रूर यूज़ कीजिए। ड्राई ऑलिव जो होती है एक बीज होती है छोटी सी ब्लैक कलर की। पिज़्ज़ा हब मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, नमक, और साथ में कोट करूँगी मैं चीज़। चीज़ मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि पिज़्ज़ा का टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लाना है तो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करें। चीज़ से कोट करने के बाद इसके ऊपर फिर से पिज़्ज़ा हब, चिली फ्लेक्स और नमक से एक बार कोट करें। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं कोट नहीं करूँगी, स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगी। अब फाइनली पिज़्ज़ा की कोटिंग हो चुकी है, मैं इसे पैन में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे तवा पे बना सकते हैं, अवन में बना सकते हैं। और इसे कवर करके लो टू मीडियम बेक करना है 5 से 6 मिनट। जब तक हमारी पिज़्ज़ा बेक हो रही है, चलिए मैं दूसरी पिज़्ज़ा की भी कोटिंग कर लेती हूँ। सेम प्रोसेस में मैं इसे भी तैयार कर लूँगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पहले पिज़्ज़ा में चीज़ के ऊपर मैं हर्ब्स चिली फ्लेक्स अप्लाई नहीं की थी क्योंकि वो मैं बच्चों के लिए बना रही थी, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों को यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी क्योंकि पिज़्ज़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। पहला पिज़्ज़ा बेक हो चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी पैन में मैं दूसरा पिज़्ज़ा को भी बेक कर ले रही हूँ। और इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी पिज़्ज़ा हब चिली फ्लेक्स का, और इसे मैं कवर कर दूँगी। सेम प्रोसेस में इसे भी मैं बेक कर लूँगी। मैं इसे कट कर लेती हूँ। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। इस पिज़्ज़े को बेक हुए सिर्फ 2 मिनट हो रहे हैं और ये पिज़्ज़ा को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आया है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।